मैं हूँ हफ्सा और आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड चिकन नगेट्स। तो जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, 4 बड़ी हरी मिर्ची चाहिए, एक अंडा चाहिए, आधा चाय का चम्मच नमक चाहिए, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा कप फ्रेश धनिया, इसको अच्छे से आप चॉप कर लें, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो आप आधा चम्मच लेगा। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा कप मेयोनीज, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक कप ऑयल, 2 अदद उबले हुए अंडे। आप अंडों को उबाल लें और उसके बाद उसे मैश कर लें। आधा कप मैदा और 250 ग्राम बोनलेस चिकन। तो अब हम कोई भी चॉपर ले लेंगे जिसमें हम कीमा बना सकें। तो उसमें शामिल करेंगे चिकन, सारी डाल देंगे, हरी मिर्चें, आप छोटी हरी मिर्चें भी ले सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। तो ये अच्छे से चॉप हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। तो इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे फ्रेश धनिया, धनिया के पत्ते, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स शामिल करके इसे मिक्स कर लें। तो ये मिक्स हो चुका है, इसे एक तरफ रख दें। तो अब अंडे की फिलिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल में, बड़े बोल में अंडा शामिल करेंगे। उसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, मेयोनीज, नमक। तो ये सारी चीजें डाल दी हैं, अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, अब इसे भी एक तरफ रख देंगे। अब एक प्लेट लेंगे, उसमें मैदा शामिल करेंगे, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, अब इसे भी एक तरफ रख देंगे। अब एक प्याले में हम अंडा भी तोड़ लेंगे, इसे विस्क कर लेंगे। तो ये विस्क हो चुका है, इसे एक तरफ रख देंगे। तो अब नगेट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा कबाब लेंगे, थोड़ा सा कीमा लेंगे, उसे हाथ में फैला लेंगे। बीच में हम अंडे की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो रखेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे कि अंडे की स्टफिंग जो है वो दरमियान में आए और कीमा जो है वो साइडों पे रहे। तो इसे अच्छे से बिल्कुल हम रोल कर लेंगे इस तरह से। इस तरीके से तो ये अच्छे से रोल हो चुका है, अब इसी तरीके से बाकी बना लूंगी। तो मैंने बाकी भी बना लिए हैं, 250 ग्राम कीमे में 4 नगेट्स बने हैं। तो अब हम मैदे वाला मिक्सचर लेंगे जो हमने बनाया था और अंडा लेंगे जो फेंटा था। तो अब जो नगेट्स हैं उसे हम उठाएंगे, उसे पहले अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे। और फिर उसे अच्छे से मैदे वाले मिक्सचर में कोट कर लेंगे और इसी तरीके से सारे नगेट्स को कर लेंगे। तो ये हो चुका है, अब इसे ट्रे में रख देंगे और इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे। तो सारे हो चुके हैं, अब ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे।
अब आप एक पैन में 1 कप ऑयल डाल दें और उसे अच्छे से गर्म कर लें। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें नगेट्स शामिल कर लें इस तरह से। और इसे फ्राई कीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हर तरफ से, दोनों तरफ से। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और 10 मिनट इसको दूसरी तरफ से भी पकाऊंगी। तो 20 मिनट में ये नगेट्स अच्छे से पक जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से स्टफ्ड चिकन नगेट्स तैयार हैं। लास्ट का जो सीन था जिसमें मुझे आपको नगेट्स दिखाने थे और उसके अंदर की स्टफिंग दिखानी थी, वो मुझसे करप्ट हो गया, उसकी फाइल करप्ट हो गई, तो वो मैं दिखा नहीं सकती आपको। पर ये बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स बनेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।